बख्तियारपुर की जनता ने आपका नागरिक अभिनंदन भव्य रूप से किया है, क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? जनता के हम आभारी हैं। असेंबली बख्तियारपुर तो मेरा घर है, परिवार है, यहाँ के नए हम नेता हैं, नए हमारे लिए वह नए हैं, नए उनके लिए हम नए हैं। इसलिए इसी बहाने हम मना किए थे कि हमारा अभिनंदन क्या करिए, हम तो वहीं के रहने वाले हैं, अभिनंदन तो नए लोग का किया जाता है और जो अभिनंदन के भूखे भी रहते हैं। हमको अभिनंदन यहाँ तो जरूरत नहीं है, बीच में भी मौका लगा तो हम आगे अभिनंदन के भरोसे हम प्रवत हो। खैर इसी बहाने सभी लोग से मुलाकात हो गई, अन्य लोग से मिल नहीं पाते हैं तो काफ़ी खुशी हुई। हम सभी लोग से पहले भी आग्रह करते हैं, अभी करते हैं, हम यहाँ के प्रतिनिधि नहीं भी हैं तो आपको हमको अपना समझते हैं, हम आपके लिए सदा सुलभ हैं, कोई भी दिक्कत होगा तो हम आपके साथ हैं, और नहीं भी कहिएगा तो जो समस्या होगी जानकारी मिलेगा तो इसी इलाके के लिए तो करेंगे। कोसी क्षेत्र में सर आप विकास के नए आयाम लिखे हैं, एक हवाई अड्डा के संबंध में अभी आप जानकारी दे रहे थे, क्या है वो मामला? हवाई अड्डा अभी तो बड़ा हवाई अड्डा सहरसा में बनना नहीं है, लेकिन भारत सरकार की योजना बनी है कि जो दो जगह ग्रीन एयरपोर्ट बनेगा, एक राजगीर में और एक भागलपुर में। जो एयरपोर्ट आपका मतलब कि देश एयरपोर्ट दरभंगा में है उस पर भारत सरकार काफ़ी राशि दिया और उसका विस्तारीकरण हो रहा है। दूसरा पूर्णिया में भी डिफेंस का एयरपोर्ट है, उसमें भी काफ़ी राशि दिया, जमीन अधिग्रहण हुआ, उसका भी काम अब शुरू हुआ या धन्यवाद। लेकिन सहरसा में जो हवाई अड्डा है स्टेट गवर्नमेंट बनवाया हुआ है, लेकिन भारत सरकार से हम आग्रह किए हैं उसका भी निर्माण हो, उसकी भी लंबाई बढ़ेगी, जो उस पर भी मध्यम टाइप हवाई जहाज आसानी से उतर जाए, इसके सुविधा उपलब्ध होगी। और एयर एम्बुलेंस जो कोई बीमार पड़ता है तो वहाँ से कहा जाता है, बड़ा अस्पताल वाला कहता है कि सहरसा में हम उतार ही नहीं सकते, तो लोग दरभंगा ले जाते हैं, वहाँ से एम्बुलेंस पकड़ के जाते हैं। वह सब सारी सुविधा सहरसा एयरपोर्ट को भी मिलेगी और कई जगह जैसे खगड़िया में भी, खगड़िया बोलना हड़बड़ी होना ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटी है, वहाँ एक अलग से हेलीपैड भी बने, हेलीपैड मतलब जो भी स्कूल का आंकड़ उतार देना एक निकालता है और सभी जगह चिन्हित स्थल होते रहेगा। तो खगड़िया में भी बनेगा हवाई अड्डा तो नहीं बनेगा, लेकिन हेलीपैड के लिए चिन्हित के लिए उसमें 10 करोड़ रुपया उसमें दिया जा रहा है, सहरसा में भी दिया जा रहा है, सहरसा की तरफ सुपौल में जो बिलपुर एयरपोर्ट है उसमें भी दिया जा रहा है। तो धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाना जितना संभव हो सकेगा उसको किया जाएगा। ये राजधानी का रूप लीजिए, बिदुपुर पूर्णिया बनेगा, हम समझते हैं इससे बड़ा काम होगा, 2 घंटा में सिंधु बख्तियारपुर के लोग पटना जाएंगे, बड़ा विश्वास मानिए, 2 घंटा से नहीं लगेगा। सिक्स लेन सड़क होगा, कहीं से कोई दूसरा लेन समझते हैं आप यहाँ से वहाँ चलेंगे, इसके सब सुविधा मिलेगी और दिल में हर बख्तियारपुर या फुर्ती का इलाका है, इसलिए इस इलाके में कितना से कितना विकास हो इसमें लगेगा। थैंक यू।